Audio Jungle. लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो धारा 144 का पालन करें, अपने दायित्व का ख्याल रखें, अपने जीवन को सुरक्षित समझें और सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग, दिल्ली पुलिस सभी इसको लगे हुए हैं। लेकिन हमारे सामने आप देख सकते हैं कि MCG की गाड़ी यहाँ पर कूड़ा उठाने आ रही है, जिनको की छूट दी गई है कि सफाई ज़रूर करें, लेकिन एहतियात जो बरतने की बात करें तो वो एहतियात के आप बात करते हैं कि किस तरह से, वो आप देख सकते हैं कि आपका नाम जानना चाहेंगे। हेमंत। हेमंत, बात करें जिस तरह आपको क्या एहतियात बरतने के दिए गए साहब, क्या बताएं, इसमें तो काम करने के लिए बुलाया साहब, काम करेंगे और तो कुछ बताया नहीं साहब। आपको बताया नहीं है कि भाई आप मास्क लगा कर चलेंगे? बताया था साहब, पर मिला नहीं है मुझे, अभी मास्क अभी मिला नहीं है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको MCG में? कहा नहीं, हमें साहब कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। लेकिन मास्क नहीं मिला है, आप खुद भी एक सारे में जा रहे हैं, आपको देख के और लोग भी इस बात को समझेंगे कि मास्क नहीं लगाना है, तो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं साहब, मैंने बोला था दरवाजे को भी, कहा था कि अपनी साहब मुझे एक मास्क चाहिए, उन्होंने कहा साहब दोपहर मिल जाएगा आपको, ये बताया था। क्या नाम है आपके दरवाजे का, कौन सा इलाका है? नहीं साहब, मुझे दरवाजे भी नए आए, पुराने दरवाजे हमारे चले गए हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं, नए दरवाजे आए, उनका मुझे नाम नहीं पता है। ये कौन सा वार्ड है? ये सर 260 है ना, 160 है, 260 साहब वार्ड है। अब उनके साथ जो कूड़ा इलाके से उठा रहे हैं, बाकी सही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहा भी गया है कि ये, मैंने बोला था पर मास्क नहीं मिला था, मैं दो बार बोला। लेकिन अब इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं इनके साथ? हेल्प नहीं कर रहे सर जी, हेल्परी में बात करें, जिस तरह से आपको पता है कि आपको मास्क लगाना चाहिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, लगाना चाहिए, पर दे दिन क्या करें सर जी, मांगते हम तो सर जी से, सर जी मास्क दो, हम कूड़ा भरते हैं, दे दिन हमें सर जी। क्या नाम है आपका? नितिन। कौन सा वार्ड है ये? सोनी बिहार। सोनी बिहार है, ई साठ। तो कब से आप यहाँ पर? अभी सुबह इसी तरीके से काम कर रहे हैं? हाँ जी, सुबह इसी तरीके से बात काम कर रहे हैं। तेज निगाह आपसे अपील करता है कि जिस तरह से अभी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, MCD विभाग के जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी, उसमें जो काम करने वाले थे, उन्होंने बताया कि MCD ने उनको मास्क तक मुहैया नहीं कराए, इसका असर और लोगों पर भी जा रहा है। तेज निगाह आपसे अपील करता है कि इस तरह की कोई भी लापरवाही देखे तो उसको देख कर खुद को संभालें और उनको खुद भी मास्क देने की कोशिश करें। आपका जीवन बहुत कीमती है और उसके लिए हर विभाग आपको तत्पर सेवा में समय समय पर सब सुविधाएं मुहैया कराने पर लगा है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।